हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आप ये देख रहे हैं, ये मैंने बनाई है मलाई वाली कुल्फी, जैसे मार्केट में मिलती है ना, एकदम वैसे ही बिल्कुल घर के सामान से बनाई है। इसमें मैंने कोई कस्टर्ड पाउडर या कॉर्नफ्लावर का यूज़ नहीं किया है और बहुत ही इजी रेसिपी है और एकदम मलाई वाली कुल्फी बनी है जैसे मार्केट में मिलती है। तो देखते हैं कैसे बनाई है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। इस कढ़ाई को रख देंगे गैस पे। इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून जितना पानी, ज़्यादा नहीं डालना है, 2 टेबल स्पून बहुत है। और इसके अंदर हम डालेंगे 1 लीटर दूध। फुल फैट दूध लेना है हमें। आप चाहें तो बिफेलो मिल्क भी ले सकते हैं, अगर दूध गाढ़ा होगा तो अच्छा रहेगा, इसलिए टोन मिल्क ना लें। 1 लीटर दूध हम कढ़ाई में डाल देंगे और उसमें से थोड़ा सा दूध, आधा कप जितना दूध हम बचा लेंगे। और आगे देखिए, इसमें हम कोई कॉर्नफ्लावर नहीं डालने वाले हैं, ना ही हम कस्टर्ड पाउडर डालने वाले हैं। बिल्कुल घर के सामान से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। कढ़ाई में दूध डाल दिया है, दूध को हम रख देंगे उबाल आने के लिए। ये देखिए, दूध में एक उबाला आ गया है, ये देख रहे हैं। इस तरह से हमें दूध को उबालना है, अच्छे से इसे मिक्स करें। ऐसे ही जब हमारा दूध उबलता रहेगा सिम गैस पे, इसे हम इस तरह से हिलाते हुए मिक्स करते जाएंगे। इससे जो मलाई आएगी ना, वो हमारे दूध में जाती जाएगी और दूध को हमें थोड़ा गाढ़ा कर लेना है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 पिंच केसर, ऑप्शनल है, मैं कलर के लिए डाल रही हूँ। आपके पास नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कस्टर्ड पाउडर नहीं डाल रहे हैं, तो कलर के लिए मैंने इसमें डाली है केसर। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और दूध को उबलने देंगे। चलिए, जब तक हम आगे का काम कर लेते हैं। दूध को मैंने पिछली साइड कर दिया है। अब हम लेंगे कढ़ाई, गैस नहीं जलाई है अभी मैंने, गैस बंद है। इसके ऊपर हम अंदर डालेंगे हम 1 कप भर के मिल्क पाउडर, और इसके अंदर ही हम डालेंगे जो हमने आधा कप दूध बचाया था ना वो। इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैं बना रही हूँ खोया, आप चाहें तो रेडीमेड खोया भी ले सकते हैं मार्केट से। मैं घर पर ही बना रही हूँ मिल्क पाउडर से, आप घर बाजार से भी मंगा सकते हैं। जो बाजार में कुल्फी मिलती है ना, उसमें वो खोया डालकर ही बनाते हैं, इसीलिए वो इतनी रबड़ी वाली कुल्फी का फ्लेवर आता है, एकदम मलाईदार होती है। इसे हम अच्छे से ना, गैस जला दिया मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद, इसे पकाने में सिर्फ 1 या 2 मिनट लगेंगे। 1-2 मिनट में ये गाढ़ा हो जाएगा और एकदम डो का फॉर्म ले लेगा, खोए की तरह। तो ये देखिए, अच्छे से इसे हिलाते हुए ही हमें मिक्स करना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि 1-2 मिनट लगेंगे इस तरह से हिलाते जाएं। और ये देख रहे हैं कितना गाढ़ा हो गया ये, और हमारा ना खोया बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए, ये खट्टा होता जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना तो ये एकदम टाइट हो जाएगा। और देखिए, हमारा ये खोया बन के रेडी हो गया है। इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे, इसका यूज़ हम आगे करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी है कुल्फी बनने वाली है। फिर से कह रही हूँ, ये हमने बनाया है खोया। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो आप बाजार का खोया भी यूज़ कर सकते हैं, मगर फ्रेश लाएं एकदम, और सॉफ्ट वाला खोया होता है ना वो लाएं, बासा पहले का रखा हुआ खोया ना लाएं। मार्केट में ऐसा होता है कई बार ना, बाजार में जो रखा हुआ खोया होता है वो कई दिन का होता है, तो उससे अच्छा फ्लेवर नहीं आता है। दूध अच्छे से उबल रहा है, उबलते उबलते काफ़ी गाढ़ा हो गया है दूध, देख रहे हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, और इसमें थोड़ा सा येलो कलर भी आ गया है, क्योंकि हमने इसमें केसर भी डाली थी। और दूध जैसे जैसे गाढ़ा होता जाता है ना, तो उसमें कलर भी आता जाता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए, उबालते हुए जैसे जैसे ऊपर मलाई आ रही थी, हम उसे दूध में मिक्स करते जा रहे थे। ये दूध उबल उबल के आधा हो चुका है पहले से, ये देख रहे हैं कितना गाढ़ा हो गया है दूध, और इसमें मलाई के लच्छे भी नज़र आ रहे होंगे आपको। अब हम इसमें डाल देंगे ये खोया जो हमने बना के रखा था। अगर आप मार्केट का खोया यूज़ कर रहे हैं तो आप ग्रेट कर कर डाल दें। ये सॉफ्ट है खोया, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया है। जैसे जैसे उबलेगा ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और मार्केट के खोए को आपको ग्रेट करके डालना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें, थोड़ा सा मैश करते हुए, ताकि दूध में एकदम अच्छे से रस बस जाए, मिक्स हो जाए, देख रहे हैं इस तरह से। और थोड़ी देर हम इसे उबाल लेंगे मिक्स करते हुए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यम्मी लिख के कमेंट करना ना भूलें। और देख रहे हैं एकदम अच्छे से हमारा जो खोया है वो इसमें मिक्स हो गया है। इसे हम 1-2 मिनट तक उबलने देंगे, ज़्यादा नहीं उबालना है अब, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना तो ये और गाढ़ा होता जाएगा, इसलिए 1-2 मिनट ही हम इसे उबालेंगे। देखिए इस तरह से, देख रहे हैं कितना गाढ़ा हो गया है। इसमें हम डालेंगे आधा कप चीनी, आप चाहें तो कम चीनी भी डाल सकते हैं, जैसी आप मीठा खाना पसंद करते हैं ना, उतनी चीनी हमें डालनी है। मैं इसमें आधा कप चीनी डाल रही हूँ, परफेक्ट रहेगा इस मेजरमेंट के हिसाब से। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी घुलने तक हमें इसे पकाना है।
आप चाहें तो इसमें कैरेमल बनाकर भी डाल सकते हैं, मगर कई बार क्या होता है जब हम कैरेमल बनाकर डालते हैं ना, तो कई बार चीनी का ना कड़वापन आ जाता है कैरेमल में, तो फिर हमारी जो भी रेसिपी होती है वो खराब हो जाती है। वो काफी ट्रिकी पार्ट होता है कैरेमल बनाना, कई बार कड़वापन आ जाता है, तो इसलिए मैं तो इसमें रिस्क नहीं लूंगी कैरेमल बना के डालने का। और इसमें मैंने डाल दिया इलायची पाउडर आधा चम्मच, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको प्लेन कुल्फी बनानी है तो आप इस तरह से इसे छोड़ दें और ठंडा करके कुल्फी बना लें। जैसे मार्केट में मिलती है ना पिस्ता कुल्फी, ड्राई फ्रूट कुल्फी या प्लेन कुल्फी, तो आप इसी बैटर से बना सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ काजू बादाम और पिस्ते को बारीक बारीक काट के। अगर आपको प्लेन बनानी है तो आप ड्राई फ्रूट को स्किप कर सकते हैं, और सारे ड्राई फ्रूट को डाल के बस मिक्स कर दे और गैस बंद कर दे। इसे अब हमें ठंडा करना है, हिलाते हुए हमें ठंडा करना है, बीच बीच में हम हिलाते जाएंगे, नहीं तो क्या होगा ऊपर एक मलाई की परत आ जाएगी, इसलिए हिलाते हुए हम इसे ठंडा कर लेंगे। देख रहे हैं कितना अच्छे से ठंडा हो गया और कितना गाढ़ा हो गया ठंडा होने के बाद। अब हम इसको जमाएंगे। बहुत ही ज्यादा टेस्टी और यम्मी बना था, आपको इसकी कंसिस्टेंसी देख के पता चल रहा होगा कि कितना टेस्टी होगा। ये देखने में ही लग रहा हो कितनी टेस्टी कुल्फी हमारी बनने वाली है, लग रहा है तो यम्मी लिख के कमेंट करना। ये मैंने लिया पेपर कप, इसमें आई कुल्फी जमाना सबसे ज्यादा आसान होता है क्योंकि आसानी से निकल जाती है। मेरे पास जो मार्केट में कुल्फी मिलती है वो वाले मोल्ड तो नहीं है, तो मैं पेपर कप में जमा रही हूँ, और एक और मेरे पास आइसक्रीम जमाने वाले मोल्ड है, मैं उसमें जमाऊंगी। मगर आप पेपर कप में जमाना बहुत ईजी हो जाता है, निकालना भी, और बहुत ही ज्यादा अच्छी भी बनती है। इसमें मैंने डाल दिया, इसको मैं दिखाऊंगी आपको कैसे पैक करके फ्रिज में रखना है, जब तक पहले मैं और इस वाले मोल्ड में डाल देती हूँ। मेरे पास ये वाला प्लास्टिक का मोल्ड था, इसमें हम दूसरी तरह की आइसक्रीम्स जमाते हैं, जैसे बच्चे खाते हैं ना फ्रूट्स वाली, वो इसमें आसानी से जम जाती है, तो मेरे पास यही था, तो इसी में मैं कुल्फी जमा रही हूँ। चार मोल्ड में मैं डाल दूंगी और इसको हम बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत ही ज्यादा टेस्टी और यम्मी बनेगी, एकदम मलाईदार, एकदम रबड़ी जैसा फ्लेवर आएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप हमेशा ना फिर घर पर बना के कुल्फी खाना पसंद करेंगे, इतनी टेस्टी ये लगती है। और ये क्या होता है कि घर में हम सफाई से बना लेते हैं, कुछ हम इसमें मिलावट नहीं करते हैं, कुछ भी केमिकल का यूज नहीं करते हैं, तो घर पर बनाना ही ज्यादा अच्छा रहता है बच्चों के लिए। कुल्फी 2 कप पे मैंने डाल दिया, जो ये मिश्रण बचा है ना, मैं इसे इस कप में जमा रही हूँ। जैसे मटका कुल्फी होती है ना, वो भी इस तरह से ही बनती है, बस उसे मटके में जमा दिया जाता है, मैं इसको इस कप में जमा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से सारे मिश्रण को अच्छे से निकाल के डाल दें, और मैं आपको दिखाती हूँ इन्हें कैसे रखना है। एक एल्युमिनियम फॉयल ले लें, और इसको मैं 3 पार्ट में कट कर लूंगी क्योंकि मैंने 3 उसमें डालना है ना, तो मैंने एक पार्ट ले लिया। इसे मैं इस तरह से कट करके दिखाती हूँ आपको कि कैसे इसे हम पैक करके फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में कभी भी खुला ना छोड़े, नहीं तो आइस क्रिस्टल आ जाते हैं और फिर हमारी कुल्फी अच्छी नहीं जमती है। देखिए इस तरह से इसे पैक कर दें अच्छे से। आप चाहें तो क्लीन रैप भी लगा के इसे पैक कर सकते हैं। और ये देखिए इसको भी हम इस तरह से पैक कर देंगे, दोनों को अच्छे से पैक करेंगे। पेपर फॉइल, जो ये पेपर कप होते हैं ना, इसमें कुल्फी निकालना बहुत इजी हो जाता है, तो अगर आपके पास ये पेपर कप हो तो आप आराम से सारी कुल्फी इसमें जमा सकते हैं। ये देखिए इस फॉइल में हम क्या करेंगे, बीच में से लगा देंगे कट, कट लगा के इसमें लगाएंगे हम जो आइसक्रीम स्टिक्स होती है ना, वो हम इसको बीच में इसके सेट कर देंगे। अभी सेट करना जरूरी है, नहीं तो जब कुल्फी जम जाएगी तो फिर ये सेट नहीं हो पाएगी। ये देखिए इस तरह से कट लगा के दोनों में मैंने लगा दिया। इसे मैं ओवरनाइट के लिए रख दूंगी और कल निकाल के आपको दिखाऊंगी कि हमारी कुल्फी कैसी जमी है। अगले दिन मैंने निकाली सारी कुल्फी और मैंने कहा आपको दिखाती हूँ कैसी जमी है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी थी, मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आई, मेरे हस्बैंड को भी और मेरी बेटी को भी, दोनों को बहुत ज्यादा पसंद आई। और ये देखिए मैंने कुल्फी निकाल ली है, इसको देखिए मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितने अच्छे से जम गई है। इनको ना पेपर कप से निकालना बहुत इजी हो जाता है, ये जो मोल्ड है इसमें से निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसको पहले ना हम पानी में रखेंगे ताकि हमारी कुल्फी आसानी से निकल जाए, या फिर आप 1-2 मिनट पहले निकाल कर रख दें तो भी ये निकल जाएगी, मगर थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पेपर कप में जमाएं या फिर किसी कप में जमाएं जो आप स्पून से खा सकें। इस तरह से निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये देखिए इसको हम निकाल लेंगे, अभी भी ये नहीं निकल रही है, तो इसे मैं 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, और जब तक आपको पेपर कप वाली कुल्फी निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से आसानी से निकल जाती है ना पेपर कप से कुल्फी।
इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अगर बनाए तो पेपर कप में बनाएंगे ना, तो एक तो आपको कुछ भी मोल्ड नहीं लाना पड़ेगा कुल्फी के लिए, और आसानी से भी बाहर निकल जाएगी। ये देखिए बहुत ही क्रीमी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी ये कुल्फी बनकर रेडी हुई है, एकदम मजेदार। इसे मैंने ऊपर से किया पिस्ते से गार्निश, ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं आपको दूसरी वाली कुल्फी भी निकाल के दिखाती हूँ, ये कितनी आसानी से बाहर आ गई पेपर कप वाली, और इसमें निकालने में थोड़ी सी हमें मेहनत हुई और ये थोड़ी सी मैशी भी हो गई है, देख रहे हैं बीच में चिपकी रह गई है। इसे मैं अलग प्लेट में रख देती हूँ। तीनों कुल्फी मैं निकाल लूंगी, चार हैं, मैं तीन ही निकाल रही हूँ अभी, एक मैं बाद में निकालूंगी। ये देखिए बहुत ही ज्यादा क्रीमी बनी थी, देखकर ही आपको इसका टेक्सचर पता चल रहा होगा कि बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं है, एकदम मलाई वाली मलाईदार कुल्फी है ये, बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही यमी। तो अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, पेज पर नहीं है तो पेज को जरूर फॉलो कर लेना, और यमी लग रही है तो यमी लिख के कमेंट करना। देख रहे कितनी सॉफ्ट बनी है, एकदम मलाईदार है, कोई आइस क्रिस्टल नहीं है, इसको तोड़कर ही आपको मैं दिखा रही हूँ, इससे पता आपको चल रहा होगा। तो रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना। ये देखिए कितनी ज्यादा टेस्टी लग रही है ना। तो चलिए मिलेंगे हम अगली वीडियो में।